रात के बज गए हैं 9 और अब जाके हम फ्री हुए हैं। बाप रे, इतनी ज्यादा ठंड हो रही थी, इतनी ज्यादा कि लिटरली बॉडी टूट रही थी। इंडिया में जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और सांस फूलने लगती है, काम नहीं होता, यहाँ पर इतनी ठंड हो जाती है कि बॉडी लिटरली पेन करने लगती है, मसल्स पेन करने लगते हैं अगर आप बाहर रहते हैं घर के, और फिर काम नहीं होता, बहुत थकान होती है। और हम जेनेटिकली इस तरह बने भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ठंड को जो है बहुत लंबे टाइम तक झेल सके। तो एनीवे, हमने रेस्ट कर लिया, डिनर कर लिया, रात के बज रहे हैं 9 और पूरा ये सामान जो आप देख रहे हैं यहाँ सोफे पे लगा हुआ है और ये सारा सामान मेरे पीछे, अब इसकी पैकिंग करनी है। आई डोंट थिंक सारा सामान आ पाएगा बैग में, बट जितना आएगा उतना पैक कर लेते हैं और बाकी सामान मैं लेके जाऊंगी बाद में इंडिया जब ईयर एंड में मैं पहुंचूंगी। और डॉग्स के लिए मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि डॉग स्पेशल चीज़ें जो मंगाई हैं वो दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें इंडिया में नहीं मिलती हैं, या मिलती हैं तो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल प्राइस में मिलती हैं क्योंकि वो बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं। विशाल की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, पिछले 3-4 दिन से काम था, आज ही एक डे ऑफ था और ऑफ कोर्स आज ही मौसम इतना ज़्यादा खराब हो गया था। मैंने एजिलिटी कोर्स के लिए ये सारी चीज़ें मंगाई है जिसमें विभिन्न पोल्स, टनल्स एंड हर्डल्स वगैरह है। ये इंडिया में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, मोस्टली इम्पोर्टेड, और प्रोटेक्शन डॉग के लिए। अभी मैं जगदशा पर पप्पी लेके आने वाला हूँ, तो मैंने अलीबाबा से ये चीज़ें मंगाई थी जो इंडिया में एक्सेसिबल आई थिंक अलीबाबा से नहीं है। तो ये प्रोटेक्शन ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट है, इंडिया में 6,000 से 7,000 रुपए की कीमत है, तो अलीबाबा से मैंने मंगवाया था, चाइना से आया है, न्यूजीलैंड में 2,500 रुपए के लगभग पड़ा है। ऐसे कई और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मैंने मंगाए हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो नेक्स्ट टाइम पे जब मीनाक्षी आएगी तो वो ले आएंगे। मेरा फ्यूचर प्लान है डच शेपर्ड पपी लाके उसको प्रोटेक्शन ट्रेन करना। एंड उसके अलावा जो हमारा हीरो है फूड कोली, उसके लिए मैंने खूब सारा एजिलिटी कोर्स मंगवाया है। अगेन इंडिया में सब एजिलिटी कोर्स टनल एंड विविंग पोल्स स्पेसिफिकली इस तरह से अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन नहीं मिलता है, तो मेरे को यहाँ से लेके जाना पड़ता है। उसके अलावा ये जो नेचुरल पिग ईयर्स एंड लैम ईयर्स हैं, कुछ एक ट्रीट्स हैं जो न्यूजीलैंड में स्पेसिफिकली मिलती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस डायनो बोन, ये तो बस मीनाक्षी का प्यार है जो ले लिया उन्होंने हमारे चारों डॉग्स के लिए, हीरो, तारा, वीर एंड बिद्दू। उसके अलावा खूब सारे टॉयज ऑफ कोर्स मीनाक्षी ने लिया है तारा के लिए, ऑल दिस स्क्वीजी टॉयज, आई डोंट नो स्क्वीज कहाँ से होगा, बट तारा लाइक्स ऑल दिस स्क्वीजी टॉयज। बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा मेरा कुछ तो सामान है नहीं मेरे कपड़ों के अलावा। हाँ, मैंने कुछ वाइन बॉटल्स ली हैं नॉन्स को गिफ्ट करने के लिए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स ऑफ कोर्स एंड सम टॉयज फॉर द किड्स, वहाँ पे दिल्ली में कुछ एक किड्स हैं हमारे नॉन में, उनके लिए टॉयज खरीदे हैं। दिस थ्रोज मेरे को इंडिया में इस तरह के थ्रोज देखने को कहीं नहीं मिले, और ये हमने न्यूजीलैंड में काफ़ी यूज़ करता आया हूँ इनफैक्ट हमारे काउचेस के लिए, तो मैं सेम थ्रो अपने इंडिया वाले काउचेस से लेके जा रहा हूँ। गमबूट्स एक्सेसिबल नहीं थे अच्छे वहाँ पे भी, मैंने गमबूट्स भी खरीदा एक पेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये नेक्स्ट गार्ड स्पेक्ट्रा टैबलेट है, नेक्स्ट गार्ड प्लेन मिलती है इंडिया में लेकिन स्पेक्ट्रा नहीं मिलती, नेक्स्ट गार्ड है प्लेन, वो जो पेट के कीड़े हैं उसके लिए होती है डॉग्स के लिए, बट जो राउंड वर्म या हुक वर्म वगैरह, बट ये हार्ट वर्म और फ्लीज और किसी भी तरह के डॉग इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, मंथली एक बार देना होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है ये टैबलेट, इट्स लाइक 5,000 रुपये की 6 टैबलेट आई है, इंडिया में तो मिलती ही नहीं है, तो ये भी मैं लेके जा रहा हूँ। 6 मंथ्स का हो जाएगा हमारा, every 2 months दूंगा मैं उनको, और बाकी फिर मेरा चीज़ जो आएगी वो ले आएगी। खूब सारे टॉयज हैं सारा के लिए। उसके अलावा हाँ, ये डॉग गॉगल्स मैंने स्पेसिफिकली मंगवाए हैं हमारे हीरो के लिए, क्योंकि उसको गर्दन बाहर निकाल के चलने का शौक है गाड़ी में, उसके आँख में बहुत पानी आता है हवा की वजह से, तो ये स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए बने हैं, तो ये डॉग गॉगल्स मैं उसको हीरो को पहना दूंगा, हीरो जैसा भी लगेगा। और इसमें अच्छी बात ये कि एक जो दो इसमें बैंड दिए हुए हैं, एक बैंड जो है वो कानों के पीछे जाता है और एक मजल के नीचे जाता है, तो इसमें लाइक यू नो ह्यूमंस की तरह नहीं है, इसमें दो बैंड्स हैं, तो ये सिक्योर रहते हैं, चिपके रहते हैं। ये काफी सस्ते पड़े, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था यहाँ पे माइटी ऐप करके एक वेबसाइट है, तो मेरे को लाइक रफली $18 का एक पड़ा है, 900 रुपए के आसपास। मैं और भी देख रहा था काफी प्रीमियम में $125 का था, लेकिन उसमें मीडियम साइज अवेलेबल था, स्मॉल साइज था, तो हीरो को तो मीडियम होगा तो मीडियम साइज लगेगा, इसलिए मेरे को ये चीप वाला मंगाना पड़ा, बट लेट्स सी कि हाउ इट गोज विद हिम, तो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की वजह बहुत छूट कम इन्वेस्टमेंट में। मीनाक्षी ऑफ कोर्स कहती है कि तारा के लिए भी लो, टाइम श्योर ये तारा तो नहीं पहनेगी क्योंकि उसको तो कूलर ही नहीं पहनना होता, तो वो तो बहुत मोटर किया वो, तो ये आई एम श्योर कि वीर को जाएंगे क्योंकि ही ऑल्सो लाइक्स टू टेक हिज मुंडी आउट ट्रैवल करता है मेरे साथ। एंड बाकी मोस्टली मेरे गिफ्ट्स हैं जो मेरे को बर्थडे में मिले थे, मेरे परफ्यूम वो उधर पैक किया हुआ है, कपड़े लाइक दिस शूज, कम्फी शूज इन द विंटर,
तो बेसिकली मैंने तो खुद कुछ नहीं खरीदा है, मेरे को सब कुछ गिफ्ट में मिला था। हाँ, मैंने ये जरूर खरीदा है, मेरे जो शूज लिए थे मैंने, शू वाइट रिस्टोरर है बेसिकली शूज का, स्केल्पी की फैक्ट्री है यहाँ पे, तो काफी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं डेरी मिल्क के यहाँ पे अलग अलग। जैसे हमने फ्रूट एंड नट्स तो ऑफकोर्स वहाँ भी मिलता है, कोकोनट रफ, रोस्ट आलमंड, हेजलनट, टर्किश डिलाइट, ये एसोर्टेड लिंट की चॉकलेट है, एज यू नो कि ये प्रीमियम चॉकलेट्स में आती है। उसके अलावा यहाँ पे एक लिकोरिस की फैक्ट्री है पास में ही, लेविन नाम की जगह पे, तो वो लिया है हम लोगों ने लिकोरिस और सम स्वीट्स। और ये स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड की विटेकर चॉकलेट्स है, जो कोकोवा तो मेरी फेवरेट है, लाइक वेलिंगटन रोस्टेड एंड कॉफी स्प्रीम एंड मालबोरो सी सॉल्ट एंड कैरेमल ब्रिटल, सो इट्स लाइक प्रॉपर न्यूजीलैंड फ्लेवर्स। सो ये न्यूजीलैंड स्पेसिफिक चॉकलेट्स एंड वाइन भी मैंने न्यूजीलैंड से ली है, लाइक शार्डने वाइन भी न्यूजीलैंड की काफ़ी फेमस है, लाइक न्यूजीलैंड की वाइन चॉकलेट डेयरी प्रोडक्ट्स ये सारे फेमस हैं। और ये जो वाइन्स हैं न्यूजीलैंड की, ये इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव मिलती है जाके, एंड सो इट्स बेटर कि आप कुछ एक अच्छी वाइन्स यहाँ से खरीद लो जो आपको कंपेरेटिवली 3 times चीपर न्यूजीलैंड में मिलेगी। इंडिया में सेम वाइन आपको 3 times या समटाइम्स 5 times मोर एक्सपेंसिव मिलेगी, वो भी हर जगह नहीं मिलेगी आपको, बड़ी सिटीज में कुछ बड़े बड़े लाइक इंटरनेशनल स्टोर्स में ही मिलेगी। वाइन कैन बी अनदर थिंग इफ यू आर अ वाइन लवर, दैट्स इट प्रीटी मच, एंड दिस इज फॉर अवर टाको। और इसका एक वो भी याद आ रहा है मेरे को, मैंने एक और भी लिया था, दो सॉफ्ट हुए थे ना इसके, एक वो नहीं, एक कैंसिल कर दिया था आई थिंक, नहीं मफलर वाला पेंगुइन जो हमने खरीद के रखा था। अच्छा वो मेरे पास रखा है, वो मैं ले आऊंगी, पहले इतना सामान तो एडजस्ट कर ले। मोस्टली ये है कि जितनी भी हम छोटी 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 चीजें इकट्ठी कर सकते थे हमने कर ली, तो अभी सारा सामान एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। चॉकलेट सी लग रही है 10 किलो की, छोटा छोटा जब आप खरीदते हो ना आपको पता नहीं लगता, लेकिन जब आप पैकिंग करने के लिए जाते हो तब पता लगता है कि कितना ज्यादा भारी हो गया है। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गई थी, जब मैं वीडियो बना रही थी जो गिफ्ट वाली थी, मेरे को लगा मैंने कितनी छोटी छोटी चीजें खरीदी है, ये क्या ही गिफ्ट है, बट एक्चुअली जब यहाँ से स्टेशन तक बैग खींच के लेके जाना पड़ा ना, तो हालत खराब हो गई थी। तो एनीवे पैकिंग खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एयरपोर्ट पे विशाल को सी ऑफ करते हुए। बाय। तो फाइनली आ गए हम एयरपोर्ट पे और हमें आए हुए करीब 20 मिनट हो गया, आधा घंटा आधे से ज्यादा। मैं कर रहा था ना मेहनत सारी, मेरे को पता और टाइम ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ से ऑकलैंड की जो चाल की फ्लाइट है वो है एयर न्यूजीलैंड के थ्रू, और ऑकलैंड से जो दिल्ली तक की फ्लाइट है वो सिंगापुर एयरलाइंस की है, और दोनों में जो चेक इन बैगेज है ऑफकोर्स वो अलग होता है, बट आपकी मेन एयरलाइन जो है उसी का बैगेज अलाउंस अलाउड होता है। एयर न्यूजीलैंड का जो था वो 23 kg अलाउड था और बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, बट एनीवे सॉर्ट आउट हो गया, चेक इन बैगेज गया, मतलब आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अब हम करेंगे यहाँ पे नाश्ता और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एंड देन एक दूसरे को गले लगेंगे, रोएंगे, मिस करेंगे, चलने साले साल में 4 बार ट्रेवल करते हैं, चार बार थोड़ी रहूंगी। हर 4 महीने मैंने आना है जाना है, अभी कुछ महीने बाद मैं खुद चली जाऊंगी। अब हम करते हैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह और विशाल को कहते हैं बाय, और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। एक्सक्यूज मी, डू यू वांट टू से एनीथिंग? सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड, तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे खत्म। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय।